किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लाल सरन रोग यानी रेड रॉड डिजीज के बारे में। इसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, इसकी रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। भारत में सर्वप्रथम इस रोग का प्रकोप वर्ष 1945 में बिहार प्रदेश में देखा गया, जो 0238 गन्ने की जो प्रजाति है यह सर्वप्रथम उसमें देखा गया। आजकल यह रोग लगभग सभी गन्ना उत्पादक प्रदेशों में पाया जाता है। यह रोग फ्यूजेरियम सिकोरामी नामक फफूंदी से होता है, जिसे लाल सरन रोग के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, जैसे मनुष्यों में जुखाम के साथ बुखार का आना संभावित है, उसी तरह से लाल सरन रोग के साथ उकता रोग का आना भी संभावित है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो महामारी पैदा कर देते हैं। किसान भाइयों, यह मौसम के बदलाव के कारण अधिक फैलता है या वर्षा ऋतु के बाद इसके लक्षण अस्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। यह सितंबर अक्टूबर में गन्ने में अधिक क्षति पहुंचाता है। यह गन्ने की खेत में स्पष्ट स्टैंडिंग रोग में दिखाई पड़ते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसे के लक्षण के बारे में, किस तरह से इसको पहचाना जाए कि हमारे खेत में लाल सरन रोग का प्रकोप लग चुका है। इसके जो लक्षण हैं, अगोले की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और सतह पर बड़े बड़े लाल धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। किसान भाइयों, गन्ने को काटने से सफ़ेद गूदे लाल सड़े हुए ऊतक में नज़र आते हैं और यह बहुत ही बदबू करते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, गूदे गड्ढे बन सकते हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं और सूखने लगती हैं और आपका गन्ना इस महामारी की चपेट में आ जाता है और इसका प्रभाव गन्ने की उपज पर पड़ता है और हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, गन्ने के यह रोगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और यह महामारी अधिक तेज़ी से फैलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके बचाव का तरीका कौन सा है। किसान भाइयों, अगर यह आपके खेत में यह बीमारी लग चुकी है तो जो गन्ना सूखा हो उसे जड़ से उखाड़कर उसमें 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 10 ग्राम बेनोमिल डाल दें और मिट्टी से अच्छे से इसे ढक दें। इस तरह से खेत के सभी सूखे गन्ने को उखाड़कर यह अभियान चलाना है और सूखे हुए गन्ने को इकट्ठा करके खेत की दूरी पर जला दें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि अपने गन्ने को कैसे बचाया जाए। तो सर्वप्रथम आपको करना है एक एकड़ में 500 ग्राम हेक्साटॉप 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्प्रे में पूरा पौधा और जड़ तर हो जाना चाहिए, जिससे यह रोग आगे बढ़ न सके। किसान भाइयों, यह रोग 0238 प्रजाति जो हमारे गन्ने की है उसमें यह ज़्यादा मात्रा में लग चुका है। किसान भाइयों, आपको शुरू से ही आपको बचाव के लिए सोचना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब इसके बात करते हैं नियंत्रण कैसे किया जाए इस पे। किसान भाइयों, रोगी फसल की पेड़ी आपको नहीं रखनी है। फसल काटने के उपरांत खरपतवारों को खेत में ही नष्ट कर देना चाहिए और आपको गहरी जुताई करने से रोगजनों का प्रभाव फसल पर कम हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके जो रासायनिक उपचार हैं। फफूंदी नाशक दवा वेनोमिल या फिर आप वेवेस्टीन के साथ 0.2% घोल में उपचारित करने से बीज में गन्ने में उपस्थित कवक सीमा तक नष्ट हो जाते हैं। और किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के लिए हमेशा स्वस्थ गन्ने का चयन करें और ध्यान रखें कि आसपास लाल सरन रोग और उकटा रोग का प्रकोप न हो। किसान भाई, इस तरह से आप अपने गन्ने के बचाव और देखभाल कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई तकनीक नई खेती के साथ। जय जवान जय किसान।